आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट रहेगा, और उपेंद्र के साथ मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग के लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे वीडियोस बनाने के बाद ये कमेंट करते हैं कि आप कंसिस्टेंसी पे वीडियोस बनाओ। तो ये वीडियो आप पक्का देखना, जो आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको शायद से आपके प्रॉब्लम थोड़े छोटे लगेंगे और अपने लाइफ में आप थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से आप हार्डवर्क कर पाओगे। उपेंद्र ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थर्ड ईयर में गेट में 30 रैंक अचीव करा है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के साथ, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप उसके सारे डिफिकल्टीज वो बताएगा आप लोगों से। तो उपेंद्र, बहुत ही आराम से बातें डिस्कस करना, कोई घाई नहीं हमें। 1 घंटे का भी ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ ना तो भी मैं ये वीडियो डालूंगा। तो उपेंद्र, तुमने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी, और उससे पहले तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसे? तुम इंजीनियरिंग के कैसे स्टूडेंट हो, और कितना डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग करना, ये तुम अगर बता सकते हो तो तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए तुम्हें देखकर। देखिए भैया, अगर हम मतलब शुरू से स्टार्ट करें तो मतलब 5th क्लास से अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो क्या हुआ कि 5th क्लास में मतलब हम बहुत साधारण स्टूडेंट थे। सिंपल मतलब लाइक जैसे सब कोई पढ़ता है। तो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो रहा था, तो मेरे पापा थोड़ा मतलब थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति मतलब है कि क्रेज था कि नहीं मेरा बेटा पढ़ाई करे। तो मेरे को नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म फिलअप करवा दिए थे। फिर हम नवोदय विद्यालय में मेरा रिजल्ट आ गया और हम उसमें रैंक 1 था मेरा मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो गया और फिर जा करके हमने 10th क्लास तक पूरा नवोदय में पढ़ाई किया। अगर हम मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम अगर सही में अगर हम पढ़ाई अगर करते लाइक जैसे लोग सीबीएसई से पढ़ता है, तो हम सीबीएसई से कभी नहीं पढ़ पाते बिकॉज बिहार बोर्ड ही मतलब हम लोग को बहुत कम पैसा में हो जाता है। बट नवोदय में चले गए, मेरा ये सौभाग्य था कि हम नवोदय विद्यालय में चले गए और उसके कारण हम सीबीएसई में थोड़ा पढ़ाई कर लिए। फिर 10th के बाद होता है कि थोड़ा सा अगर आप कहीं अच्छे स्कूल में जाते हैं तो एलुमनी लोग मिलते हैं, एलुमनी लोग थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं। तो बहुत सारे सीनियर्स थे जो मतलब NIT IIT में पढ़ते थे, तो फिर मेरे को भी बताया गया कि NIT IIT ये होता है। हम 10th तक बहुत ही सिंपल स्टूडेंट थे, नहीं कि मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ कर लिए हैं। बहुत लोग होता है कि 9th 10th में ही जा करके पूरा एलेन उलेन में पढ़ता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो सीनियर लोग बताएं कि IIT नाम का भी एक चीज़ होता है। 9th 10th तक हमको नहीं मालूम था अच्छा से। 10th में हमको जब लास्ट में हुआ तब जाकर रियलाइज हुआ कि अच्छा IIT NIT कुछ होता है, तब फिर जाके हम उसका तैयारी स्टार्ट किए। और मैंने पहला अटेम्प्ट में JEE एडवांस में मतलब मेरा रैंक आया था 10,000 कुछ। और मतलब IIT अच्छा IIT नहीं मिल रहा था, IIT मिल रहा था बट अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था। तब फिर हमने WBJEE का भी एग्जाम दिया था, उसके थ्रू हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया अपना पढ़ाई। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए तो शुरू में क्या हो रहा था कि मतलब हम अच्छे स्कूल से थे बट बिहार में क्या होता है ना कि लोगों को मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 मतलब और कोई मतलब ये नहीं कि खेल कूद ये सब, तो बहुत ज़्यादा हम इग्नोर हो रहे थे कॉलेज में। तो जब बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे तो फिर हम अपने आप को सोचे कि कैसे मतलब लोगों के सामने हम भी दिखाएं कि हम भी मेरे में भी कुछ है मतलब कुछ है मतलब। तो फिर जा करके ये सब चीज़ जब होता है फ्रेशर तक ही होता है, फ्रेशर तक मतलब जो बच्चा मतलब डांस में ये सब चीज़ में मतलब थोड़ा सा है, तो मतलब फ्रेशर तक मतलब वही सीनियर लोग का मतलब सीनियर लोग के लिए मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। बट उसके बाद जाकर के सेमेस्टर जब आता है तो सेमेस्टर के समय मतलब जो पढ़ाई करता है वही मतलब अच्छा रहता है। तो फिर जाकर के सेमेस्टर में मतलब मेरा मार्क्स आया ठीक ठाक मार्क्स आया, तब फिर जाकर के सीनियर लोग के थोड़ा नज़र में गए कि मतलब नहीं, ये भी एक बच्चा है। फिर जाकर के सेकेंड सेमेस्टर में भी अच्छा मार्क्स आया। तो मतलब थोड़ा थोड़ा हम अपना इफर्ट डालते रहे कि मतलब थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ाई चालू रखें जैसे मतलब पहले से करते आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, ये नहीं कि ज़्यादा, ये नहीं कि पूरा मतलब पढ़ रहे हैं एकदम मतलब 10th में है तो 12th का पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा हम नॉर्मली अपना जो अपना करिकुलम है वही फॉलो करते हैं और रोज हम थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। लाइक मतलब कोई भी दिन अगर ऐसा होता है कि जैसे मतलब कुछ अगर नया सीख लेते हैं तो लगता है कि मेरा दिन आज अच्छा जा रहा है। मतलब लाइक कोडिंग का ही कुछ हम सीख जाएंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, हम कुछ तो सीखे हैं आज। तो ये चीज हम थोड़ा फॉलो अपने फॉलो करना चाहते हैं। कुछ भी चीज अकाउंटेंसी में भी अगर कुछ चीज सीख लेते हैं
लाइक आईटीआर फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होता है कि चलिए मतलब कुछ तो सीखें आज हम, तो कुछ भी चीज मतलब एक सीखने का प्रयास करते हैं रोज का रोज, कुछ सीखें। तब नहीं, अगर नहीं सीखते हैं जिस दिन, तो मेरे मन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा टाइप का आने लगता है। फिर जा करके हुआ क्या कि सेकेंड ईयर सेकेंड सेम में जब थे हम लोग, तो लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद लॉकडाउन लगा तो सब लोग मतलब उस समय क्या कर रहा था लॉकडाउन में, कि व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहा था कि ये करो वो करो ये बहुत सारा कुछ, मतलब ऐसे ही रैंडम बहुत सारा चीज चल रहा था। तो फिर हम सोचे कि मतलब भाई तो 10 दिन हो गया, 10 दिन हमने कुछ नहीं पढ़ाई किया, मतलब कुछ नया चीज भी नहीं सीखा। तो 10 दिन मेरा 10 दिन का चिड़चिड़ापन मेरे मन में बहुत ज्यादा हो गया था। तो हम सोचे कि चलो अब कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम सोचे ना कि आईएएस का तैयारी करना हम स्टार्ट करते हैं। उस समय तक तो कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आया हुआ था कि गेट में थर्ड ईयर का भी बच्चा बैठेगा, और हम ये आईएएस का तैयारी करने के लिए ठान लिए कि हमको आईएएस का तैयारी करना है। तो एक होता है मतलब हम थोड़ा सा है कि मतलब हम थोड़ा सा किसी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तब कि थोड़ा साथ में पढ़ते हैं तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है। लाइक जैसे हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हम किसी से पूछ ले, या फिर थोड़ा सा मतलब वो भी बता देगा कि यहाँ से भाई पढ़ लो, मजा आ रहा है पढ़ने में। मतलब कोई भी चीज शोर शोर से अगर कहीं से मालूम चल जाए, कंटेंट खोजने में दो दो लोग खोजेगा ना, ऐसे सिंगल आदमी कहाँ कहाँ कंटेंट खोजेगा। तो इसीलिए हम सोचे कि एक और तो मेरा एक रूममेट है, उसका नाम आप उसका शायद पहले ही इंटरव्यू ले चुके हैं, मयंक झा। तो वो रूममेट मतलब उस रूममेट से बताएं कि मतलब हम थोड़ा सोच रहे हैं ये चीज करना, तो बोला कि हाँ हाँ तो चलो हम लोग दोनों आदमी मिल करके करते हैं। तो हम लोग दोनों आदमी मिल करके स्टार्ट किए। फिर जाकर के मई या जून के महीना में आता है कि नोटिस कि थर्ड ईयर का बच्चा गेट दे सकता है। तो मतलब हम लोग उस समय तक 3-4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए थे, कि मतलब एनालॉग हो गया पूरा अच्छा से, डिजिटल बहुत अच्छा से हो गया था, फिर जाके आपका मेजरमेंट्स हो गया था, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया था, और मतलब जो भी कोर्सेज में है लाइक मशीन्स था, ये सब हम लोग कर लिए थे। तो हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा था। फिर क्या हुआ कि एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग के कॉलेज में आ रही थी, तो हम लोग दोनों आदमी मिलकर के पढ़ाई करते थे, और ज्यादातर टाइम मतलब हम ही मतलब मैंग झा को पढ़ाते थे लाइक। तो हुआ क्या कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया। तो हम बहुत ज्यादा दुखी थे कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम पढ़ाई भी किए इतना अच्छा से, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो हम बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर जा करके मयंक झा मेरे साथ मतलब 1 महीना तक लगातार फोन पर बात किया कि तू मतलब क्यों नहीं, अब मतलब इतना दिन हो गया तू मतलब क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा, अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यहाँ तक कि इनफैक्ट वो मेरे घर आया था, और घर आकर के मेरे को मतलब समझाया चलो जो हम लोग शुरू में स्टार्ट किए तो करते हैं, ये सितंबर का बात है। तो सितंबर, और सितंबर निकल गया पूरा, अक्टूबर में फिर से हम लोग लग गए स्टार्ट अपना पढ़ाई करना। अक्टूबर में पढ़ाई किए, अक्टूबर में मतलब स्टार्ट हुआ 15th या 16th अक्टूबर से। तो उस समय हम लोग मतलब ये सब चीज के चक्कर में नहीं थे कि जाना है दुर्गा पूजा घूमना है दीपावली घूमना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब हम लोग के पास समय बहुत कम बच गया था, और जो पहले का था वो भी रिविजन करना है। तो फिर हम लोग अपना स्टार्ट किए वहीं से पढ़ना, और फिर जा करके पढ़ाई करना स्टार्ट किए, स्टार्ट किए बहुत सारा चीज धीरे धीरे। फिर जा करके मेडिजी का टेस्ट सीरीज देते थे, मेडिजी का टेस्ट सीरीज में क्या होने लगा कि लाइक टेस्ट सीरीज में मेरा मतलब बहुत कम मार्क्स आया शुरू में, पहला टेस्ट सीरीज में 42 मार्क्स आया। तो 42 मार्क्स मेरे को मतलब पूरा निचोड़ लिया था कि हम क्या मतलब इतना अच्छा से कंसेप्ट है फिर भी मेरा 42 आ रहा है। फिर सेकेंड टेस्ट दिए, सेकेंड टेस्ट में फिर एनालाइज किए कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है। फिर जा करके मेरा रूममेट ही आपका लिंक दिया, एक लिंक था जिस पर आप बताए थे कि कैसे ये जो टेस्ट सीरीज का मार्क्स है इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, कहाँ पर हम लोग का गलती होता है। तो उसमें आप बहुत अच्छा से समझा रहे थे कि जो मतलब ये तुम लोग मत सोचो कि मतलब पूरा का पूरा मार्क्स तुमको 100 का 100 उठाना है, तुम आराम से थोड़ा सा इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन को बनाओ, आराम आराम से बनाओ, ज़्यादा चिंता नहीं करना, और तुम धीरे धीरे टेस्ट सीरीज दो। पहला टेस्ट सीरीज था मतलब आप ये भी बोले कि पहला दिया होगा चाहे सेकेंड दिया होगा, थोड़ा सा कम मार्क्स आएगा इस बात को हम भी मानते हैं, बट थर्ड टेस्ट से धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। तो सेकेंड टेस्ट में मेरा 53 मार्क्स आया, फिर जाकर सेकेंड टेस्ट में 53 आया, उसमें रैंक दिखा रहा था, मतलब मेडिजी में रैंक भी दिखा था कितना बच्चा एग्जाम दिया कितना रैंक था। तो उसमें था पहला टेस्ट सीरीज में था मेरा 58 रैंक,
सेकेंड टेस्ट सीरीज में था 48th रैंक और थर्ड टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक। उसके बाद जा करके फर्स्ट थर्ड टेस्ट में फर्स्ट रैंक और उसमें मेरा मार्क्स 70 या 71 के करीब। फिर जाके फोर्थ टेस्ट सीरीज दिए उसमें भी 69 मार्क्स। फिफ्थ टेस्ट सीरीज दिए फिर 70, मतलब 69 70 एकदम कॉन्स्टेंट हो गया, स्टेबल हो गया ड्यू टू आपके कारण, मतलब आप ही के कारण वो स्टेबल हुआ। फिर जाकर वो स्टेबल हो गया तो अब हम सोचे कि अब तो मेरा मार्क्स मतलब 65 से 70 के बीच में आराम से गेट में आ जाएगा, कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर है कितना भी इजी रहे। फिर जाकर के वही मतलब फॉलो किए, फिर जाकर मेरा मतलब 65 से 70 आखिर फाइनली मेरे को 71.33 मार्क्स आया गेट। तो उपेंद्र ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी है, पर उपेंद्र ने जो टेस्ट सीरीज़ की बातें कर रहा है और जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ की बातें कर रहा है कि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे थे, उसके अलावा भी उपेंद्र ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करे हैं। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि इतना ज़्यादा आसान नहीं था तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग तुम्हें, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें कंपेयर करें बाकी रैंकर्स के साथ, क्योंकि मैं तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ऊपर रखता हूँ मेरे नज़रों में, क्योंकि तुमने जो डिफ़िकल्टीज फेस करे हैं वो डिफ़िकल्टी कोई एक एस्पिरेंट नहीं फेस कर रहा था अपनी प्रिपरेशन में, मेरे ख्याल से जो अभी रैंकर्स हैं। तो उपेंद्र के पास लैपटॉप नहीं था, आज हम वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो मैं उपेंद्र अपने दोस्त के पास लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उपेंद्र के पास इंजीनियरिंग में लैपटॉप नहीं है, ठीक है, और उपेंद्र की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मतलब हार्ड है, मतलब बहुत कमज़ोर है, मतलब उसे फाइट कर रहा है वो हर दिन। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ नहीं इंजॉय नहीं करता है, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली है उपेंद्र की लाइफ वो इंजॉय करता है। जिसके पास एक्चुअली नीड होती है वो पैसे जनरेट करने के तरीके भी बहुत सारे ढूंढ लेता है। तो उपेंद्र अपनी खर्चा उठाने के लिए खुद फाइट करता है हर रोज़। उसके अलावा उसने गेट भी सेल्फ स्टडी से क्रैक करी है, सेल्फ स्टडी से, लैपटॉप नहीं है, खुद के खर्चे उठाना, उसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड ईयर में विदाउट गाइडेंस 30 रैंक निकालना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जर्नी है, ठीक है। तो तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट को मतलब क्या बोलोगे, जब कुछ भी नहीं होता है तब कैसे हिम्मत नहीं हारनी और कैसे फाइट करते हैं? मतलब मैं तुम्हें एज ए फाइटर देखता हूँ, ठीक है, तुम हर दिन अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जूझ रहे हो, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हो तुम बता सकते हो, ताकि लोगों को भी, जो वो बोलते हैं ना कि मेरा पढ़ाई में मूड नहीं हो रहा है, मैं कैसे अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाऊँ, मैं कैसे सीरियस हो जाऊँ, ठीक है, लोगों के पास है ही नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। तो तुम कैसे बताओगे कि एक एस्पिरेंट के पास कितने डिफिकल्टीज होते हैं और कैसे उसे अपने जो भी उसके पास क्या बोलते हैं रिसोर्सेस होते हैं उसे मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, तुमने कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, तुम्हारे लिए रिसोर्सेज क्या थे, उन चैनल्स को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। हुआ क्या कि मतलब 11th 12th में मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था, तो मन में मेरा एक जगह एक कॉर्नर में मेरा बैठ गया था, अगर कुछ नहीं होगा तो एक फिजिक्स तो पढ़ा ही लेंगे ना, मतलब कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में, ऐसा तो नहीं होगा कि फिजिक्स मेरा था तो हम सोचे फिजिक्स पढ़ा करके ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो कॉलेज में गए, तो कॉलेज में गए तो थोड़ा सा मतलब पैसा का तो बहुत कमी हो रहा था, तो मतलब हमको कहीं से पता चला कि एक कंपनी है वहां पर आप डाउट सॉल्व करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो उस पर हमने डाउट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और एक डाउट पर 35 रुपीज़ पहले मिलता था, और मैंने मतलब उस प्लेटफॉर्म पर डाउट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और उससे हमको पैसा मिलने लगा। तो होता क्या था कि जब कॉलेज में जाइएगा तो नया नया फ्रेंड बनेगा, और मतलब कॉलेज में हमको लगता है कि सिर्फ मतलब मेरा जितना दोस्त है सबके पापा या तो वकील होंगे डॉक्टर होंगे ऐसा ही टाइप का, लेकिन मेरे पापा मतलब थोड़ा सा हम वीक फैमिली से, तो लेकिन वो लोग है कि मतलब जैसे दोस्त को अब बोलेगा कि चलो पार्टी करते हैं और हम नहीं जाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो हम अपना पैसा मतलब वहीं से मैनेज करते हैं कि हम अपना आराम से टॉपर सॉरी डाउट डाउट सॉल्व करते हैं और डाउट सॉल्व करके अपना पैसा पैसा बनाते हैं और पैसा बना करके उस पैसा का अपना यूज करते हैं। और सिर्फ मतलब पार्टी के लिए ही नहीं, लाइक जैसे कॉलेज फी जमा करना रहता है, मेरा कॉलेज फी बहुत कम है इस मामले में, बहुत कॉलेज भी बहुत अच्छा मिल गया है कि पैसा बहुत कम लगता है, लाइक 25 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल चार्जेज है, तो ये सब चीज़ मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है कि बहुत कम पैसे में ही अपना आराम से चल जाता है मेरा। और मेरे पास लैपटॉप नहीं था और अभी शायद मिलने वाला है तो हो जाएगा,
और लैपटॉप अभी मतलब क्या ही बोले, लैपटॉप से लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लाइक लॉकडाउन में खास करके, लाइक आपका मतलब लैब है तो लैब लैपटॉप पर ही होगा, और मेरे पास लैपटॉप है नहीं तो करे तो क्या करे, तो दोस्त लोग से ही मतलब दोस्ती मतलब कुछ ज़्यादा ही है, मेरा दोस्त लोग बहुत सारा है, कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है, सब लोग सुनता है मेरा बात तो बोलता है नहीं नहीं मतलब थोड़ा सा हेल्प कर ही देता, तो लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, तो यही है कि मतलब दोस्त लोग ही मेरा सहारा बन के हमेशा रहता है, और दोस्त लोग मतलब हमेशा हेल्प करते आए, कोई भी दोस्त हो आज तक कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मतलब मेरे से मिलने के बाद वो मेरा हेल्प नहीं किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ अपने से, और हम भी अपने तरफ से मतलब पूरा योगदान देते हैं कि मेरा दोस्त हमेशा के लिए वो बने रहे, काहे मतलब चाहे वो 6th क्लास का ही दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो 11th क्लास का ही दोस्त क्यों ना हो, चाहे मेरा कॉलेज का ही दोस्त क्यों ना हो, सब लोग अभी मेरा फ्रेंड सर्कल में अभी भी है, मतलब लाइक फोन करके अभी भी हमेशा उन लोगों से मतलब 10-15 मिनट बात होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बात नहीं। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है, ठीक है। और तुम कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी स्टोरी लिख रहे हो कि जब भी तुम एक बड़े मुकाम पे पहुंचोगे, ठीक है, और जब तुम अपनी ये स्टोरी बहुत सारे लोग, अभी तुम्हारे में कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी है क्योंकि तुम्हें भी लगता है कि तुम उस लेवल पे अभी तक अचीव नहीं कर रहे हो, पर जब भी तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे और तुम ये स्टोरी जब लोगों को बताओगे, तो मुझे पक्का पता है कि इससे बहुत सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट आने वाला है और बहुत सारे लोग सीरियस हो जाएंगे अपने लाइफ को लेके कि कैसे पढ़ाई के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, दोस्ती की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ये तो बाकी सब सिर्फ यूथ मज़े मार रही है इंजीनियरिंग में। तो बहुत ही अच्छा तुम्हारा जर्नी है और मैं होप करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले जो तुम एम करते हो उपेंद्र, और हम रहेंगे कॉन्टैक्ट में। तो थैंक यू उपेंद्र आने के लिए हमारे हमारे चैनल पे, और मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट को बनाते वक्त मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं खुद का ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई तो ऐसा जो कुछ अचीव कर रहा हूँ मैं इस पॉडकास्ट से, ऐसा मुझे लग रहा था। थैंक यू आने के लिए उपेंद्र। थैंक यू भैया।